हमारी YouTube फैमिली, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। हमारी फैमिली 100K कंप्लीट कर ली है। मुझे पता था आज 100K हो जाएगा, इसलिए मैंने कल एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था और पूछा था आप लोगों से। आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो पूछ डालो, मैं कोशिश करूँगा आप सभी के सवाल का जवाब देने का, और ज़रूर दूंगा। कल तक आपके पास टाइम है, कल दोपहर तक जितने भी सवाल होंगे आप, मैं पिक करूँगा और सबका आंसर करूँगा। अभी बात करते हैं आज की। तो आज हमारे साथ हुआ क्या, सुबह से हम लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे शूटिंग भी कर ली थी हमने गोप्रो से, मेरा जो दूसरा कैमरा है, और उसका माइक खराब हो गया और सारे ऑडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। ही कुछ एक में ठीक आया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोग बाहर गए, केक खरीद के लाए, कैसे केक खरीदे, पूरा राउंड मार के आए और कुछ 100K या ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला नहीं, तो बस ऐसे ही आ गए केक लेके। तो अभी केक कटिंग करेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप सभी लोग हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे और क्वालिटी वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। मेरा प्लान है ये वीडियो आज ही आपके साथ शेयर करूँ, तो वो शेयर ज़रूर करेंगे। और उसके बीच में कुछ आपको जो हमने रास्ते में बिना ऑडियो के थे वो फुटेज दिखा दूँगा। हम लोग चल दिए हैं केक की तलाश में, अगर मिल जाता है तो वहीं से लेके आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे मिलके। मुझे तो डाउट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जाके देखने में ही भला ही है, इसलिए मैंने गाड़ी लिया है सेफ्टी के लिए। बाहर इन लोग को रखेंगे, मैं जाके लेके आ जाऊँ अगर मिलता है तो। चलिए देखते हैं। मैं अभी जहाँ से गुजर रहा हूँ, इधर एक लालबाग पार्क नया ओपन हो रहा है, जिसका उद्घाटन 30 जून को यहाँ के मुख्यमंत्री आके करेंगे और ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो मेरा घर जिसके बाजू में ही है, काफ़ी अच्छा रहेगा। कभी इसके अंदर आके आपकी इसके अंदर आके आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ। इतने सारे नारियल के पेड़ हैं और ये जो तैयारी आप देख रहे होंगे साइड में, ये उन्हीं के लिए चल रहा है। अच्छा सा गेट बनाया जा रहा है, 3 दिन टाइम है और इसी के अंदर पब्लिक जाके देखेगी। मज़ा आएगा जब इसमें अंदर जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काडूगुड़ी के साइड, व्हाइट फील्ड जाएंगे। अभी फ़िलहाल बेंगलोर में हूँ मैं। यहाँ के रोड देखिए बन रहे हैं अभी। पैकरी देखो, किसी के ऊपर जाएंगे और पूछेंगे अभी अपने को अगर केक मिल जाएगा तो। थोड़ा टाइम लगे लेकिन मिल जाए। लिख दो। हाँ लिख दो, लिख दो, ठीक है। और अभी एक बैलून जैसा एक पैकेट बैलून हो जाए और नॉर्मल 100K लिखा कुछ मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। बाबू साहब अपने में बिजी हैं गाड़ी के अंदर, अभी मिल जाए डायरेक्ट फिर घर जाएंगे और सेलिब्रेशन स्टार्ट। कितने सब्सक्राइबर कम हैं अभी दिखा देता हूँ आपको। वेट तो कर रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है, आज तो होना है ये भरोसा है। 9:58, 42 बचे हुए हैं, सिर्फ 42 बचे हुए हैं। देखो दिख रहा है 99,958, सिर्फ 42 बचा हुआ है। भैया इतना घूमने के बाद भी अपने को वो जो मैं ढूंढ रहा था सेलिब्रेशन 100K लिखा हुआ वो नहीं मिला। क्या लिया है पता नहीं, कौन सा है मिठाई, रस कदम या खीर कदम, कुछ नाम खीर कदम बोलते हैं इसको। इसको भी आज तो खुशी का मौका है, जो मन है लेते जाओ। चलिए अभी घर की ओर निकलेंगे। ये KRपुरम मार्केट है अभी मैं जहाँ पे हूँ। अभी यहाँ से यू टर्न मारेंगे और अपने घर की ओर जाएंगे। गाड़ी से बाहर उतरना डेंजर है, 600 का तेल ले लिया हूँ। बिल बिल, हाँ बिल दे दो। पूरा चकचक हो जाएगा अभी अपना, और इस तरह से अपना कांच हो गया कंप्लीट। बाबू साहब भी मज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसे ये हो रहा है। दाज क्या हो रहा है,
नाइट्रोजन डालने से क्या होता है, एयर हवा में क्या फायदा होता है नाइट्रोजन डालने से? तो पता नहीं सर, चला दे गाड़ी। पता है हमको, आपको तो पता होना चाहिए ना, पहले डाल रहे तो आपको मालूम होगा ना, पंचर हो जाएगा सर, पंचर हो जाएगा तो 50 किलोमीटर जाता है। 50 किलोमीटर का आपको है। देखो ये भैया बता रहे हैं नाइट्रोजन डालने से अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो आप 50 किलोमीटर तक आराम से जा सकते हो। तो नाइट्रोजन डालने के फ़ायदे हैं और एक महीने दो महीने के बाद भी आप डालोगे तो कोई इशू नहीं है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए मैं नाइट्रोजन डालता हूँ। आपको सामने बोर्ड भी दिख जाएगा चेन्नई का और तिरुपति का, तिरुपति 236 किलोमीटर, वहाँ से और 20 ऐड कर लो तिरुमला जाने के लिए, और चेन्नई 317, तो 320 किलोमीटर, लेकिन रास्ता हो मज़ा आ जाएगा, कभी आपको दिखाऊंगा इसका लॉन्ग ड्राइव। मैं पहली बार घर में वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं अपना घर का टूर भी आगे दूंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे आपसे रूबरू होना है, और आपको, आप चूंकि हमारी फैमिली से जुड़े हो तो आपको मेरे बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने वो पोस्ट डाला है। तो चलिए अभी जल्दी से बाबू साहब, मतलब मेरा बेटा सोया हुआ है, उसको उठाते हैं और केक कटिंग करते हैं। टुकू उठ गए, देखिए मेरा बेटा सोया हुआ था, अभी जस्ट उठा है, और अभी हम लोग इसके साथ मिल के केक कटिंग करेंगे। हाय, हंड्रेड के हो गए, हाय हाय कर दो सबको, हाय हाय, 100K हो गया, बोलो ना इधर 100K, हैप्पी बर्थडे। देखो अभी केक कटिंग करेंगे, आइए मम्मी को भी बुलाइए, मम्मी को भी बुलाइए, हाँ रचिया अभी केक कटिंग करेंगे, कट दे, देखिए कटिंग, हाय केक कटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सबसे पहले आपकी फैमिली आप लोगों के लिए, आप तो खा नहीं पाओगे, आपके लिए मैं खा लेता हूँ, लेकिन ये केक आपके लिए है, देखिए कटिंग, हाय केक कटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सबसे पहले आपकी फैमिली आप लोगों के लिए, आप तो खा नहीं पाओगे, आपके लिए मैं खा लेता हूँ, लेकिन ये केक आपके लिए है, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। बाबू भी खाएगा? नहीं खाएगा बाबू, उस समय तो अच्छे से खिला नहीं पाया था आप लोगों को, तो ये केक आप सभी के लिए हमारी तरफ से, कभी मिलना हुआ तो ज़रूर पार्टी होगा, अभी वर्चुअली हमारे साथ वीडियो के जरिए आप पार्टी कर लो, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। ये वीडियो को आज ही अपलोड करना है, इसमें वो जो रास्ते वाले कुछ फुटेज थे वो भी दिखा दूंगा आपको, और सेलिब्रेशन जस्ट यही छोटा सा सेलिब्रेशन फैमिली के साथ था, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी Q&A वाले वीडियो के साथ, थैंक यू ऑल द सपोर्ट, बाय बाय, थैंक यू।